ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। शिव पुराण में आपकी राशि से जुड़े हुए कुछ रहस्य बताए गए हैं। अगर आप इन रहस्यों को जान जाते हैं और इन रहस्यों का अपने जीवन में फ़ायदा उठा लेते हैं तो शायद आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। कई सारे जातकों को अपनी राशि तो पता होती है पर जन्म तारीख नहीं पता होती, सही टाइम नहीं पता होता। कई सारे जातकों को अपनी जन्म तारीख और इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। अगर वो भी जातक इन चीज़ों को अपनाएंगे, इन फॉर्मूलों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो उन्हें बहुत हद तक फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें। सबसे पहला रहस्य कि कलयुग में हमेशा व्यक्ति राहु जो है और शनि के अंतर्गत चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अब वो कैसे डिस्टर्ब होता है? सबसे पहली चीज़ होती है कि राहु की महादशा और अंतरदशा में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पीड़ित होना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, फैमिली बैकग्राउंड से हो, या ऐसे घटनाएं जो चीज़ें वो उम्मीद से बाहर है वो चीज़ें उसे झेलना पड़ती है। ये सबसे मुख्यतः चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोगों के बीच आपने देखी भी होगी। वो बहुत ही मूडी होते हैं, उनको मन किसी चीज़ में लगता नहीं है, चीज़ें स्थिर होती नहीं, मेहनत जितनी करते फल मिलता ही नहीं है। और सेम इसी के साथ साथ शनि भी है कि शनि भी जो है वो कई हद तक इस तरह की सिचुएशनें आपको करता है। तो ये जो है चीज़ें, इन चीज़ों से आप अगर बाहर आना चाहते हैं और इस पूरी परेशानी से आप बाहर आना चाहते हैं तो उसका सिर्फ कुछ ही उपाय है जिन उपायों से आप बाहर आ सकते हैं। मैं उन उपायों को आपको बताऊं, उससे पहले एक निवेदन है मेरा आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय शिव शंभु लिखें, जो आपका मन हो लिखें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि शनि और राहु दोनों जो हैं, राहु का राशि स्वामी गुरुदेव जो है शुक्र है और शनि जो है, दोनों को शांत करने के लिए आप शिव जी की उपासना करें। शिव जी की उपासना के लिए आपको अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप शिव जी के उपासक हो जाएंगे और हनुमान जी के उपासक हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी शिव जी का 11वां रुद्र अवतार है, जब दोनों के आप उपासक हो जाएंगे, दोनों की साधना करेंगे, दोनों का नाम जप करेंगे तो राहु और शनि दोनों कभी भी आपके जीवन में परेशान नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, कितने भी आपको तकलीफ दे में क्यों ना हो। बस आपको अपने इष्ट पर पूरा यकीन होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होना चाहिए और आप धीरे 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 इन पूरी सिचुएशनों से बाहर आ जाएंगे। ये प्रैक्टिकल तौर पर कई सारे जातकों ने किया है, उन्हें इससे फ़ायदा मिला है। अब उसको करना ये है, सबसे पहले आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, रोज़ दो वक्त रोज़ शिवालय जाएं और बिल्कुल अपने आप को शिव के समीप पाएं। आपकी सब परेशानियां बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप इस पूरे बुरे दौर से, बुरी सिचुएशन से बाहर आ जाओ। यही सरल तरीका है। ओम नमः शिवाय।